आज हम नोएडा सेक्टर 63 में आए हैं, सेलिब्रिटी स्कूल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देते हैं। यहाँ ऑडियो स्टूडियो भी है, इब्तदा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ म्यूज़िक एल्बम, फिल्म, ओटीटी ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, म्यूज़िक वीडियोस, कॉर्पोरेट फिल्म्स, टीवी लाइव इवेंट्स, कमर्शियल साउंड डिज़ाइन, ट्रैक लेइंग, एफएक्स एडिटिंग, मल्टीलिंगुअल डबिंग, इस तरह की सारी सुविधाएं आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगी। तो मैं आप बात करने आ रहे हैं आज हम राजीव चक्रवर्ती जी से, जो खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और डिज़ाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, क्या नहीं है बस ये पूछिए। राजीव जी, ये जो स्टूडियो आपने बनाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये स्टूडियो हमने दिल्ली NCR का ये 5th स्टूडियो है, जिसमें डॉल्बी एटमोस 5 में हमारा सारा रिकॉर्डिंग होता है, जिसमें सारे लेटेस्ट मशीनरी लगी हुई है। लॉजिक प्रो में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और सारे स्टेट ऑफ द मार्क, सारे जितने अच्छे ब्रांड्स हैं सबके स्पीकर, सबके रिकॉर्डिंग, वो सारे सिस्टम लगे हुए हैं। सारा हमारा एप्पल से सारा जो है, एप्पल का सिस्टम है, जिसमें सारा डबिंग, रिकॉर्डिंग और सारे एडिटिंग वगैरह का काम होता है। पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन दोनों काम हमारे यहाँ पे होता है, और दोनों काम मतलब चैनल्स के लिए और मूवीज़ के लिए ये सारा चीज़ करते हैं। 32 अलग अलग लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे डबिंग होता है। जो भी टीवी शूट है, टीवी से कमर्शियल है या चैनल्स है, न्यूज़ का कुछ कुछ अलग अलग, तो 32 अलग अलग लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे डबिंग होता है। सेलिब्रिटी स्कूल बेसिकली बॉम्बे बेस एक एकेडमी है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है, जिनका फर्स्ट इंडिया में हम लोग फर्स्ट ऑफलाइन फ्रेंचाइजी हमने ले रखा है। और हमारे यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी का ट्रेनिंग उसमें दिया जाता है, डायरेक्शन, एक्टिंग और वेलनेस का इसमें काम होता है, मतलब योगा वगैरह सिखाया जाता है। तो ये सारा चीज़ है, सारा जो हमारा सेलिब्रिटी मेंटोर्स है, जैसे आशा जी है, शान है जो सिंगिंग में है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये हमारा एक्टिंग में वो हमारा मेंटर है, उसके बाद देबू रत्नानी जो है वो हमारे फोटोग्राफी का मेंटर है, और इस तरह से सारे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे इन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सेलिब्रिटी स्कूल में, उनका टाइम टू टाइम हमें उनका फीडबैक, उनका सारा कोर्स मॉड्यूल है वो सारा हमें मिलते रहता है। वेरी गुड। कितना समय हो गया इसे? ये अभी कोरोना के बाद ही ये हुआ है। कोरोना का टाइम बेसिकली जो सेलिब्रिटी स्कूल का जो ऑनलाइन मॉडल था वो डेवलप इसीलिए किया गया था, कोरोना का टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। तो कोरोना का बाद, पोस्ट कोरोना, हम लोगों ने इसका ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासेस का हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। तो यहाँ जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब बच्चे जो सीखने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? बच्चे हैं, बड़े हैं, सब तरह का लोग यहाँ पे हैं। सब तरह का मॉडल बना हुआ है, बच्चे का अलग मॉडल बना हुआ है, बड़ों का अलग मॉडल बना हुआ है। इवन कि हम लोगों ने अभी कई स्कूलों के, कई यूनिवर्सिटी में भी हम इसका फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं। अभी हमारा रिसेंटली नवंबर में हमारा GED गोयंग का सेक्टर 50 नोएडा में हमारा ओपनिंग हुआ है, जिसमें बच्चों का भी है, उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, जिसको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में, किसी को कुकिंग में, डांसिंग में, इस तरह से चीज़ें हैं। तो अभी इस तरह से अभी हमारा शारदा यूनिवर्सिटी में बातचीत चल रहा है, शारदा यूनिवर्सिटी में भी हमारा नेक्स्ट मंथ से हमारा वहाँ भी ओपन हो जाएगा। इस तरह से स्कूल में, कॉलेजेस में हम इस चीज़ को धीरे धीरे फैला रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये सब सीखने के लिए हमें मुंबई यानी बम्बई नहीं जाना पड़ेगा, पूरे भारत, उत्तर भारत में इतनी सारी सुविधाओं का स्टूडियो स्कूल अगर अपने को मिल जाए तो सचमुच में सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके बारे में हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य से जुड़ते रहिए और इसी प्रकार की मैं महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देता रहूंगा। धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद।